पति पत्नी को एक थाली में क्यों नहीं खाना चाहिए? शास्त्रों में बताई है घर बर्बाद कर देने वाली वजह। आजकल की बदलती लाइफस्टाइल लोगों की खाने पीने की चीजों में भी बदलाव ला रही है। इसी का असर है कि पति पत्नी आजकल एक साथ एक थाली में खाना खाने लगे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसका भी आपके जीवन पर उल्टा प्रभाव पड़ सकता है, जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है? वास्तु में इसे गलत माना गया है, तो चलिए जानते हैं कि वास्तु में पति पत्नी के एक साथ थाली में खाने की क्यों मनाही है। इसके अलावा धर्म शास्त्रों के ज्ञाता भीष्म पितामह ने भी इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें कही हैं। महाभारत में इसका जिक्र किया गया है। क्या कहता है शास्त्र? एक परिवार में सदस्य का एक फर्ज होता है कि वह अपने पूरे परिवार को खुश रखे। महाभारत में भीष्म पितामह ने आदर्श जीवन को लेकर इस बात पर जोर डाला है। भीष्म पितामह ने कहा है कि व्यक्ति अपने जीवन में कई रिश्ते बनाता है और उसके अपने परिवार के हर सदस्य को लेकर कुछ कर्तव्य होते हैं। हर व्यक्ति को अपने इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि उसके सभी के साथ मधुर संबंध रहें। यदि पति पत्नी एक थाली में भोजन करेंगे तो पति का अपने परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में पत्नी पर प्रेम ज्यादा ही बढ़ जाएगा। ऐसे में वो बाकी सदस्यों की अनदेखी करने लगता है। इससे घर में झगड़े कलह होना आम बात है। इस तरह एक छोटी सी गलती पूरे परिवार की खुशियां छीन सकती है और घर बर्बाद कर सकती है। नहीं होती अच्छे बुरे की पहचान। जब पति अपनी पत्नी के साथ एक थाली में भोजन करता है तो ऐसे में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पत्नी को छोड़कर उसे किसी और से प्यार नहीं होता। केवल पत्नी से अत्यधिक प्यार करना पति की बुद्धि भ्रष्ट कर सकती है। ऐसा होने पर अच्छे बुरे की पहचान खो देता है, जो एक परिवार के मुखिया के लिए सही नहीं मानी जाती है। इसलिए जरूरी है कि पति पत्नी एक ही थाली में नहीं बल्कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करे। ऐसा करने से परिवार में एकता और प्यार बढ़ता है, साथ ही आपस में सभी के रिश्ते भी मजबूत होते हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की भावना बढ़ती है।